सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय सँगै समग्र सिक्किमका जनताको लागि फेरि अर्को एउटा गर्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। सिक्किमका वीर छोरा प्यारा ट्रुपर सुनाम छिरिङ तामाङले सम्पूर्ण गोर्खे साथै सिक्किमे जनतालाई यस्तो अवसर प्रदान गरेका छन्, किनभने उनी भारतीय सेनाको तेस्रो सर्वोच्च ग्यालेन्ट्री अवार्डद्वारा सम्मानित भएका छन्, जसले आज 23 नोभेम्बरको दिन राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको हातबाट यो अवार्ड प्रदान गरिएको छ, जसमा समग्र गोर्खा अनि सिक्किमे जनताले गर्व अनुभव गरिरहेका छन्। प्याराट्रुपर सोनम शेरिङ तामाङ, दी चौथी बटालियन प्याराशुट रेजिमेन्ट विशेष बल। चार अप्रैल 2020 को प्याराट्रुपर सोनम शेरिङ तामाङ विशेष बल डिटैचमेंट का हिस्सा थे, जिसे घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के दस्ते को रोकने और खत्म करने के लिए केरन क्षेत्र जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर से उतारा गया था। 5 घंटों से ज्यादा समय तक कमर तक बर्फ में चलने के बाद टुकड़ी ने सफलतापूर्वक आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया। एकदम नजदीक से गोली चलने के परिणाम स्वरूप दोनों दस्ता कमांडर सूबेदार संजीव कुमार और पैराट्रूपर अमित कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए और शेष दस्ते से उनका संपर्क टूट गया। अपनी रणनीतिक दक्षता से आपने अपना दस्ता कमांडर को आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच से सफलतापूर्वक बाहर निकाला। पैराट्रूपर अमित कुमार जख्मी थे और आतंकवादियों की गोली से मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने दूसरे साथी को गंभीर खतरे में देखते हुए आपने हिम्मत दिखाते हुए एक आतंकवादी को एकदम नजदीक से सटीक राइफल गोलीबारी से मार गिराया। भाग रहे आतंकवादी पर हथगोला फेंककर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। पैराट्रूपर सोनम शेरिङ तामाङ ने एक कट्टर आतंकवादी को गिराने और एक अन्य को जख्मी करने और सूबेदार संजीव कुमार को सुरक्षा पूर्वक बाहर निकालने में अत्यंत साहस और जबरदस्त वीरता का परिचय दिया। इस प्रकार आप अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़ी वीरता से लड़े, जहां उनके दस्ते के अन्य सदस्य कार्रवाई में शहीद हो गए। पैराट्रूपर सोनम शेरिङ तामाङ, इतनी कम आवाज। सूर्या के नए मिक्सर ग्राइंडर्स लो नॉइज और कम वाइब्रेशन के साथ सूर्या सबको मोड में ले आए।